हेलो बच्चों, आज हम मेरी गोल्ड क्लास फोर्थ की यूनिट फर्स्ट के दूसरे लेसन को आज हम पढ़ेंगे। इसका नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। यहाँ नेहा के साथ एस लगा हुआ है कामा लगा करके, इसका मतलब हुआ नेहा का अलार्म क्लॉक। जब भी किसी भी नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन कॉमा लगा करके एस लगाने पे, ये प्रॉपर नाउन के साथ होता है, कॉमा लगा करके एस लगाने पे उसका मतलब होता है का, नेहा का अलार्म क्लॉक। ये कहानी अडाप्टेड है और इसको अडाप्ट किया गया है नेहाज अलार्म क्लॉक से ही। इसको लिखा है गिरिजा रानी आस्थाना ने। तो चलें हम देखते हैं इस कहानी में क्या है अलार्म क्लॉक के बारे में। इसमें नरेटर मैंने जो कहता है, कहने वाले को नरेटर कहते हैं। नरेटर की ओर से आवाज़ आती है, रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। लगातार घंटी बजती है 6 बजे के करीब सुबह। नेहा अपने चेहरे को कई तरह से बनाती है, चेहरा बनाती है, और अपने कानों को पीलों से ढक लेती है ताकि आवाज़ सुनाई ना दे। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, वार्म ब्लैंकेट के अंदर गहरी गहरी सांस लेती है, लेकिन उसे पता है कि वो लाख कुछ कर ले, उसे जगना ही है। सी मटर्स टू हरसेल्फ, ये बात वो अपने आप से कहती है। नेहा कहती है, This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. ये alarm clock बिना समय गवाए एकदम करेक्ट 6 बजे मुझे बिस्तर से उठा देता है। ये बड़ा अनफेयर है, ये तो बड़ी गलत बात है। और how I would love to sleep a little longer in the morning. सुबह सुबह मुझे थोड़ा देर तक सोना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि ये अलार्म क्लॉक अपना काम भूल जाए। अलार्म क्लॉक का काम क्या था? 6 बजे रिंग करना, घंटी बजाना। तो ये कहती है कि ऐसा हो जाए कि अलार्म क्लॉक अपना जॉब भूल जाए। नरेटर कहता है, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। ये तो गलत बात है, इस पर नेहा मुस्कराती है। Which comes to the window still every morning finds Neha still sleeping. हर दिन सुबह विंडो के पास आती है और देखती है कि नेहा सोई हुई है। Birds wake up dear, wake up fast. Birds भी आती है, वो भी उठाती है नेहा को, कहती है कि डियर जल्दी से उठ जाओ। Narrator कहता है, नेहा get up with a start. नेहा उठ जाओ और अपने काम शुरू करो। नेहा कहती है, ओ नो, इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक, इट इज़ दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। ये दोनों नरेटर और बर्ड घंटी के बजने से पहले आते हैं और वही उठने वाली बात कहते हैं। तो नेहा कहती है कि नहीं, ये अलार्म क्लॉक तो नहीं है, ये तो चिड़िया है जो हमें जगा रही है। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। फिर नरेटर कहता है, इवन द विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नेहा की जो इच्छा होती है वो सच हो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग, देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, बट देयर इज़ समथिंग एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। ना तो घड़ी होती है, ना तो चिड़िया होती है उसे जगाने के लिए, ना ही नरेटर होता है, लेकिन कोई एक दूसरी चीज़ होती है जो नेहा को स्कूल बस मिस करने नहीं देती। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घड़ी के अलावा, नरेटर के अलावा, बर्ड्स के अलावा और चौथा कौन सी चीज़ है जो उसे जगाती है? द बिग ब्राइट सन, और वो है सन की लाइट जो नेहा के रूम में ठीक उसके चेहरे पे पड़ता है, वार्म स्माइल के साथ एंट्री करती है। नेहा, ओ माय आईज,
नाउ इट इज़ द सन वॉकिंग मी। अब तो सब लोगों ने तो हार मान लिया, लेकिन सूर्य जो है हमें जगा रहा है, वेकिंग कर रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, क्यों नहीं सूर्य मुझे सोए रहने देता है। नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, ये बात भी नेहा की अगले दिन सही हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सन जो है वो बिहाइंड हो गया, क्लाउड के पीछे हो गया, इसलिए नेहा स्नोर करके, स्नोर मैंने खर्राटे ले ले करके सोती रही, जो उसकी माँ को सुनाई दिया। माँ आती है और कहती है वेकअप, जग जाओ स्लीपी हेड, अपने स्लीपी हेड को उठाओ, अदरवाइज़ तुम बस छोड़ दोगी, तुम्हारी स्कूल बस तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। नेहा कहती ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, माँ मुझे क्यों जगा रही है। नैरेटर देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप, उठ जाती है, तैयार होती है, और कल्पना कर सकते हो क्या होता है अगले दिन। नेहा वेक्स अप विथ ए स्टार्ट, ना तो उसे कोई जगाने आता है, ना घंटी बजती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन नेहा खुद से उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, सी कॉल्स आउट टू हर मदर। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, नेहा पूछती है माँ से कि माँ मुझे कौन जगाया, आज तो चिड़िया भी नहीं आई जगाने, घड़ी भी नहीं, घड़ी ने भी अलार्म नहीं दिया, किसी ने नहीं जगा, आपने भी नहीं जगाया, सन ने भी नहीं जगाया, तो किसने जगाया। नैरेटर कहता है मदर मुस्कराती है, मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तुम अपने आप उठ गई। नेहा कहती है लेकिन मैं तो सो रही थी, हाउ कुड आई, मैं कैसे जग गई। मदर नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, अब तुम ये बताओ जैसे ही आफ्टरनून होता है तुम अपना लंच खाती हो कैसे। नेहा कहती है मुझे भूख लगती है। फिर माँ पूछती है व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट एट 9 every night, 9 बजे तुम क्यों सो जाती हो। नेहा कहती है मुझे नींद आती है। मदर पूछती है देयर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक क्लॉक फिट हो जाता है जो कहता है कि तुम अब खाओ, तुम अब सो, तुम अब जग जाओ। नेहा कहती है ओहो आई बेटर रेस्ट नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, मैं अपना बस मिस करना नहीं चाहती। मदर रिलैक्स हो जाती है, टुडे ही संडे, क्योंकि आज संडे होता है। नेहा कहती है ओहो, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, स्नगल्स, मटर्स, विंडो, स्टिल, रिलैक्स। विंडो स्टिल जो विंडो पेन होता है उसको कहते हैं, रिलैक्स माने आराम करना, राहत की सांस लेना। स्नगल्स, स्नगल्स का मतलब होता है मुंह ढक करके लंबी लंबी सांसें लेना। मटर्स माने अपने आप से बात करना। अब आइए इसमें रीडिंग इज़ फन है। टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग किस समय नेहा की जो क्लॉक है वो रिंग करती है, तो इसमें 3 टाइम दिया हुआ है, 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। आपको पता होगा, आपने ऊपर पढ़ा होगा, देख करके ट्रिक करिएगा। व्हाट डिड द बर्ड से, बर्ड क्या कहती है, बर्ड कहती है क्या, स्लिप ऑन, बर्ड कहती है गो एंड प्ले, बर्ड कहती है वेकअप, तीनों में से जो बर्ड कहती है उसको टिक करो। व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम, आवर बॉडी क्लॉक, आवर आइज, आवर फीट। अभी आपने देखा कि हमारे अंदर किसी भी काम को लगातार करते करते एक बॉडी क्लॉक फिट हो जाती है। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई एल ई एस एम उल्टा करके लिखा हुआ है, इससे बनेगा स्माइल। इसी तरीके से एम आर ए एल ए, ओ सी के एल ई, एन ओ आर एम आई एन जी, ई डी ओ आर एन एस, तुम तो बड़े समझदार हो तुम लोग, इसको सीधा करके एक परफेक्ट वर्ड बनाओ और बना के इसको भरो, नहीं आने पे पूछना। लेट अस लिसन एंड टॉक, लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, डिस्कस विथ योर फ्रेंड इन साउंड दैट यू हर्ड, लिस देम।
ये देखिए इसका साउंड, यहाँ लिखेंगे आप कार की साउंड को, यहाँ चिल्लाने की साउंड को, यहाँ पेड़ की साउंड को, बर्ड की साउंड, ये भोंपू का साउंड। साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, तुमने क्या सुना और तुम्हारे मित्र ने क्या सुना, तो दो लोग आपस में पेयर करके इसको लिखेंगे। इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, अगर आपके घर कोई घड़ी नहीं है तो आप कैसे जगोगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, क्या तुम सोते ही रहोगे। वाट आर द डिफरेंट वेज टू नो द टाइम ड्यूरिंग द डे, टाइम जानने के और दूसरे रास्ते क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा रास्ता होता है सन। सन जैसे जैसे ईस्ट में निकलता है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो बीचों बीच आता है तो वो नून बन जाता है, और नून से जैसे ही वेस्ट की तरफ ढलकता है तो धीरे धीरे शाम होने लगती है। एक बजता है, दो बजता है, तीन बजता है। कुछ हिडन वर्ड्स हैं इसमें, इसे आपको फाइंड आउट करना है। और कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इसी पिक्चर के वर्ड्स इसमें हैं, इसको आप देख करके पूरा करिए। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, किसने कहा। माँ हु वोक मी अप टुडे, ये बात किसने कहा, नेहा ने कहा। वाई डू यू स्लीप एट नाइट नाइन एवरी नाइट, ये मदर ने कहा। वेक अप डियर वेक अप फास्ट, ये किसने कहा, ये भी माँ ने कहा। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, राम इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, माई टॉयज आर ब्रोकन, हर फ्रॉक इज टू लॉन्ग, द मार्केट इज क्लोज्ड, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, द फ्लावर्स आर केप्ट इन अ वेस। देखिए जहाँ सिंगुलर नाउन है वहाँ इज लगा है, जहाँ प्लूरल है काउज है तो वहाँ आर लगा हुआ है। तो ये आपका ख़त्म हुआ। लास्ट है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पुल्ड आउट, खींच के निकालना, इनसाइड मने अंदर, कॉल्ड आउट पुकारना, बिहाइंड मने पीछे, अंडर मने नीचे। यस्टरडे आई लॉस्ट ए बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक्ड, कहाँ देखा, दरवाजे में देखा कि दरवाजे के बगल में देखा कि दरवाजे के पीछे देखा। बिहाइंड ए डोर आई लुक्ड, इनसाइड द कवर्ड आई लुक्ड, अंडर द ए बेड आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई आस्क्ड सेरू, सेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक, ही ब्रॉट एनअदर बुक फ्रॉम माई बैग। फन टाइम में आप सेंटेंस बनाएंगे, आपका ये क्लॉक है, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक, क्लॉक के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके बारे में आप लिखोगे, ऊपर क्या है सेंटेंस बना करके आप लिखेंगे, और जो नहीं आएगा पूछेंगे। थैंक यू।